हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी पोटेंशियल स्टाफ की कि विभव सीडी क्या होती है। साथ ही हमने इसके लिए दो केसेस के बारे में बताया था कि जब कोई एम मास का पार्टिकल इस प्रकार के पोटेंशियल फील्ड में जब मोशन करता है, अगर उसकी एनर्जी ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दो केसेस हमारे सामने होंगे कि यदि पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल स्टेप की हाइट जो कि वी नॉट है या तो उससे कम हो सकती है या पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से ज़्यादा हो सकती है। सो अब क्योंकि हम यहाँ क्वांटम मैकेनिकली स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा मेन टारगेट इस टॉपिक में यह है कि हमें यहाँ यह कंक्लूड करना है कि दोनों केसेस मीन्स ई इज लेस देन वी नॉट और E is greater than V naught के लिए पार्टिकल के लिए ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी E is less than V naught के केस की। ये हमारा पोटेंशियल स्टेप का शेप था जिसमें हमने इस पोटेंशियल स्टेप को दो रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। फर्स्ट रीजन के लिए हमने बोला था जब x की वैल्यू 0 से कम है उस केस में Vx की वैल्यू 0 के इक्वल है, एंड सेकेंड रीजन फॉर द लिमिट फॉर x इज ग्रेटर देन 0 और जिसके लिए पोटेंशियल Vx की वैल्यू थी V नॉट के इक्वल। अब हमने यह देखा था प्रीवियस वीडियो में E इज लेस देन V नॉट के केस के लिए। अगर हम यह क्लासिकली बात करते हैं तो अगर पार्टिकल की एनर्जी इस V नॉट से कम है तो उस केस में क्लासिकली तो पार्टिकल सेकेंड रीजन में जाना ही नहीं चाहिए, उस पार्टिकल का यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए फर्स्ट रीजन में वापस से। बट जब हम क्वांटम मैकेनिकली इस प्रॉब्लम को जब हम स्टडी करते हैं और हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने यह ऑब्जर्व किया कि जब पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से कम होती है उस केस में भी पार्टिकल के फर्स्ट रीजन से सेकेंड रीजन में ट्रांसमिट होने की कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है। ये हमें क्वांटम मैकेनिकली हमें यहाँ ऑब्जर्वेशन मिली है। सो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ई इज लेस देन वी नॉट के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेकेंड केस की, दैट इज द ई इज ग्रेटर देन वी नॉट। अब देखिए, E is greater than V naught का मीनिंग क्या है कि जो पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है इस पोटेंशियल फील्ड में उस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो V naught से ज्यादा है। अब क्लासिकली तो अगर हम देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल की एनर्जी V naught से ज्यादा है, तो जो पार्टिकल यहाँ फर्स्ट रीजन में से आता हुआ सेकेंड रीजन में ट्रांसमिट हो जाना चाहिए, यानी कि उसके रिफ्लेक्शन के कोई भी चांसेस नहीं होने चाहिए। बट जब हम क्वांटम मैकेनिकली इस प्रॉब्लम को ट्वीट करते हैं तो हम यह देखेंगे कि पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से ज़्यादा होने के बावजूद भी पार्टिकल के वापस से फर्स्ट रीजन में रिफ्लेक्ट होने के कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है। सो आज हम बात कर रहे हैं इस सेकेंड केस के लिए ई इज ग्रेटर देन वी नॉट, जिसके लिए हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट दोनों के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे और क्वांटम मैकेनिकली जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा उसे हम यहाँ कंक्लूड करेंगे। सो दिस इज द सेकेंड केस व्हेन ई इज ग्रेटर देन वी नॉट। तो देखिए, अब हमने कहा है द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल फ्रॉम लेफ्ट साइड इज ई इज ग्रेटर देन वी नॉट। अब हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे एम मास के पार्टिकल के लिए हमें साई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वांटम मैकेनिक्स में हम मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव को वेव फंक्शन साई से रिप्रेजेंट करते हैं और साई को हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों रीजंस के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे और वो श्रोडिंगर इक्वेशन हम यहाँ ले रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशंस,
टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सो हम यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर बोथ द रीजंस। सो फर्स्ट रीजन में हमने कहा है जब x की वैल्यू 0 से कम है तो vx की वैल्यू 0 के इक्वल है, और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती है डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू दी 0। बट क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू 0 है और हम यहाँ पे फर्स्ट रीजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो इसीलिए आई एम राइटिंग हियर डी टू साई वन एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई वन एक्स दैट इज इक्वल्स टू दी 0। जब हमें सेकेंड रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी होगी, फॉर दैट रीजन x इज ग्रेटर देन 0 एंड v इज इक्वल टू दी v नॉट एंड श्रोडिंगर इक्वेशन विल बी टेक द फॉर्म ऑफ डी टू साई टू एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी नॉट साई टू एक्स इज इक्वल टू दी 0। अब क्योंकि हम यह कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल की एनर्जी है e वो भी एक कॉन्स्टेंट है और जो पोटेंशियल स्टेप है जिसकी हाइट वी नॉट है वो भी कॉन्स्टेंट है, तो हम यहाँ पे इन पैरामीटर्स को एक सिंप्लीफाइड कॉन्स्टेंट से रिप्लेस करते हैं। सो हमने यहाँ पे यूज लिया है 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर की जगह हमने लिखा है k स्क्वायर। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू दी 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर एंड 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर e माइनस v नॉट इज इक्वल टू दी बीटा स्क्वायर। फर्दर k विल बी इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ दी 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर एंड बीटा विल बी इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी नॉट। इन कॉन्स्टेंट से हमारी इक्वेशन नंबर 21 एक सिंप्लीफाइड फॉर्म, सो 23 एंड 24 विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन इन सेकेंड एंड फर्स्ट रीजन। सो डी टू साई वन एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई वन विल बी इक्वल टू दी 0 एंड डी टू साई टू ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साई टू विल बी 0। अब क्योंकि हमारे को यहाँ पर एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है तो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ लिख सकते हैं साई वन एक्स विल बी इक्वल टू दी ए ई रेज टू दी पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा के एक्स। सिमिलरली फॉर साई टू इट विल बी इक्वल टू दी सी ई रेज टू दी पावर आयोटा बीटा एक्स प्लस डी ई रेज टू दी पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स। अब क्योंकि हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 जो कि एक सेकेंड रीजन है और साथ ही पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से ज्यादा है तो उस केस में वेव का रिफ्लेक्शन तो यहाँ हो नहीं सकता है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था, ये जो टर्म है ए ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स ये शो करती है फर्स्ट रीजन में ट्रांसमिशन के लिए प्लस एक्स डायरेक्शन में, बी ई रेज टू द पावर माइनस के एक्स टर्म रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट रीजन में पार्टिकल के रिफ्लेक्शन की, और रिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होता है माइनस एक्स डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे हमारे पास में माइनस के एक्स टर्म आ रही है। सेकेंड रीजन के लिए हम देखते हैं तो सी ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा एक्स ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है पार्टिकल के सेकेंड रीजन में प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की, कि जो कण है वो प्लस एक्स दिशा में सेकेंड रीजन में आगे पारगमित हो रहा है, और डी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स टर्म रिप्रेजेंट कर रही है सेकेंड रीजन में पार्टिकल के रिफ्लेक्शन को। सो एज वी आर अज्यूमिंग हियर द केस ऑफ ई इज ग्रेटर देन वी नॉट, इन दैट केस हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये वाले टर्म, यही टर्म थी जिसके द्वारा हम शो कर रहे थे सेकेंड रीजन में पार्टिकल के रिफ्लेक्शन को, तो यहाँ पे डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो इस अजम्पशन को कंसीडर करने के बाद में इक्वेशन नंबर 25 और 26 को हम इक्वेशन नंबर 27 और 28 की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी द साई वन एक्स इज इक्वल टू दी ए ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स एंड साई टू इज इक्वल टू द सी ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा एक्स। अब हमारे को यहाँ पे साई वन और साई टू की वैल्यू मिल गई है, अब हम इनके द्वारा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हुए हम इन कॉन्स्टेंट्स ए बी और सी की वैल्यू को यहाँ इवेल्युएट करेंगे,
और बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बाउंड्री कंडीशन यह कहती है कि जहां पे दो रीजंस एक साथ मिलते हैं। अब क्योंकि हमारे इस प्रेजेंट केस में केवल दो रीजंस हैं, रीजन वन और रीजन टू, सो x बराबर जीरो पॉइंट पे ये दोनों रीजंस एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि x बराबर जीरो पे psi1 और psi2 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और साथ ही डेल psi1 ओवर डेल x और डेल psi2 ओवर डेल x भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। सो यूजिंग दिस बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर psi1 एट x इज इक्वल टू द जीरो शुड बी इक्वल टू द psi2 एट x इज इक्वल टू द जीरो। तो देखिए जब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर v7 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी जीरो के इक्वल होगा और c दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू दी जीरो। सो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, c के इक्वल। सिमिलरली सेकेंड बाउंड्री कंडीशन कहती है डेल साई वन ओवर डेल x एट x इज इक्वल टू द जीरो विल बी इक्वल टू दी डेल साई टू ओवर डेल x एट x इज इक्वल टू द जीरो। तो देखिए यहाँ पे हम साई वन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, और साथ में हमने x की वैल्यू जीरो रखनी है, तो फाइनल हमें एक्सप्रेशन मिलता है आयोटा के ए माइनस बी आयोटा के बराबर आयोटा बीटा इंटू सी। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं के इंटू ए माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू दी बीटा इंटू दी सी। अब हमारा यहाँ पे टारगेट है कि हमारे पास में अभी प्रेजेंटली तीन कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल है ए बी और सी। हमें यहाँ पे क्या करना है, किन्हीं भी दो कॉन्स्टेंट्स को हमें तीसरे कॉन्स्टेंट की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अभी हमारे पास में 28a और 28b दो इक्वेशंस अवेलेबल है, एक बार हम इनको ऐड करेंगे और एक बार हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए जब हमने इक्वेशन नंबर 28a और 28b को ऐड किया तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आएगी, a प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर बीटा सी अपॉन के। एड किया तो हमें मिलता है a बराबर सी अपॉन टू इंटू दी के प्लस बीटा अपॉन के। फर्दर हमने यहाँ पे रेशियो निकाल लिया, c अपॉन a की वैल्यू हमें मिल रही है 2k अपॉन k प्लस बीटा। ये तो हमें तब मिला जब हमने इनको एक बार एड किया, सेकेंड टाइम हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 28 टू दी 28b हमें सॉल्यूशन मिलता है b बराबर c अपॉन टू इंटू के माइनस बीटा अपॉन के, और इट विल बी इक्वल टू दी ट्वाइस ऑफ के ए। अब हमने यहाँ पे क्या करा, जो c है उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, तो c की जगह हमने क्या रखा 2k अपॉन k प्लस बीटा इंटू के माइनस बीटा अपॉन के। सिंप्लीफाई किया तो हमें b की वैल्यू मिलती है a इंटू दी के माइनस बीटा अपॉन के प्लस बीटा। अब यहाँ से अभी हम एक और रेशियो निकाल सकते हैं b अपॉन a, क्या मिला k माइनस बीटा अपॉन k प्लस बीटा। अब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को हमने यहाँ एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया है एंड दैट इज इक्वल टू द एच क्रॉस अपॉन टू आयोटा एम साई वन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डेल साई वन ओवर डेल एक्स माइनस साई वन डेल साई वन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओवर डेल साई डेल एक्स। अब क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट रीजन की बात करनी है तो हमने यहाँ पे साई वन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को रखा, उसका डेरिवेटिव रखा, साई वन रखा और साई वन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव हमने रखा। जब हमने इनके क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन किया और कैंसिल होने वाले टर्म को कैंसिल किया तो हमारे पास में जे के लिए एक फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलता है एंड दैट इज इक्वल टू दी एच क्रॉस अपॉन टू आयोटा एम मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ ए ए means 2a into a complex conjugate minus 2b into b complex conjugate multiplied by iota k. अब हम जानते हैं कि a multiplied by the complex conjugate of a is equal to the mod of a square. So iota से iota cancel हो जाएगा, हमें एक simplified solution मिलेगा and that will be in the form of h cross k upon m mod of a square minus mod of b square. h cross k पार्टिकल का मोमेंटम है एंड इट विल बी इक्वल टू दी पी अपॉन एम मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अब क्योंकि हमने ये फर्स्ट रीजन के लिए डिस्कस किया है तो फर्स्ट रीजन के लिए क्या कंडीशन थी हमारी, एक्स वॉज लेस देन जीरो। अब इसी प्रकार से हम इसे सेकेंड रीजन के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं,
सेकेंड रीजन के लिए हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होगा एच क्रॉस अपॉन टू आयोटा एम साई टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डेल साई टू ओवर डेल एक्स माइनस साई टू डेल साई टू ओवर डेल एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो हमारा साई टू की वैल्यू थी सी ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा एक्स। हमने यहाँ पे जब उनकी वैल्यू को पुट किया तो हमें एक रिलेशन मिलता है एच क्रॉस अपॉन टू आयोटा एम मल्टीप्लाइड बाय दी सी इंटू दी सी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस सी इंटू दी सी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय आयोटा बीटा। ऑन सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन जे विल बी इक्वल टू दी एच क्रॉस बीटा अपॉन एम मॉड ऑफ सी स्क्वायर और पी प्राइम अपॉन एम मॉड ऑफ सी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्ट है E इज ग्रेटर देन V नॉट केस के लिए हमें यहाँ रिफ्लेक्शन कोफिशियंट और ट्रांसमिशन कोफिशियंट के लिए हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी आर कैलकुलेटिंग रिफ्लेक्शन कोफिशियंट परावर्तन गुणांक को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। देखिए परावर्तन गुणांक यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशियंट को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक रेशियो होता है और रेशियो किस किस का होता है रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट करंट डेंसिटी। अब देखिए थर्ड रीजन में तो हमारा ट्रांसमिशन ही हो रहा है और हमने आप फर्स्ट रीजन में देखा था तो हमारे पास में दो टर्म आई थी ए और बी के टर्म में और मैंने आपको बताया था कि ए टर्म क्या शो करती है फर्स्ट रीजन में पार्टिकल के ट्रांसमिशन को और बी टर्म रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट रीजन में पार्टिकल के रिफ्लेक्शन को। ठीक है तो हम यहां से इसके द्वारा हम रिफ्लेक्शन कोफिशियंट निकालेंगे तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी यहां से ये वाली होगी P अपॉन M इनटू मॉड ऑफ B स्क्वायर और इंसिडेंट करंट डेंसिटी इंसिडेंट मतलब पार्टिकल फर्स्ट रीजन से ही तो आएगा उस केस में इंसिडेंट करंट डेंसिटी होगी P अपॉन M मॉड ऑफ A स्क्वायर। तो देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा जब हम बात कर रहे हैं जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट की तो क्या होगा पी अपॉन एम मॉड ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी अपॉन एम मॉड ऑफ ए स्क्वायर तो क्या बचेगा सिंपल मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अब हमारे पास में देखिए अभी हमने ऊपर बी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड आउट की थी इस रिलेशन में। ठीक है अब क्योंकि हमारे बी अपॉन ए में कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है और हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है जे आर के लिए मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर यानी सिंपली हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रिफ्लेक्शन कोफिशियंट की वैल्यू हमारी होगी बी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास में रिलेशन आएगा के माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन के प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे हम के और बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं हमने यहाँ पे जब के और बीटा की वैल्यू पुट की और सॉल्व किया तो आर के लिए हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है एंड दैट इज द वन माइनस अंडर रूट ऑफ द वन माइनस वी नॉट अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस वी नॉट अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन कोफिशियंट को पार्टिकल की एनर्जी के रिस्पेक्ट में साथ ही बीटा अपॉन के रेशियो में भी हम इसको यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए जब हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल की एनर्जी हम एक्सट्रीम केस लेके कंसीडर कर रहे हैं कि जब पार्टिकल की एनर्जी ई V नॉट के इक्वल होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो यानी R की वैल्यू 1 होगी। तो हम यहां से ये कंक्लूड करते हैं कि जब कोई इंसिडेंट पार्टिकल जो कि फर्स्ट रीजन में आ रहा है उसके टोटल एनर्जी E V नॉट के इक्वल होती है तो उस केस में रिफ्लेक्शन कोफिशियंट मींस परावर्तन गुणांक का मान 1 के बराबर होता है। बट जैसे जैसे हम E की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं यानी कि जो पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है यदि उसकी एनर्जी की वैल्यू E में इंक्रीमेंट होता है तो वैसे वैसे R की वैल्यू में डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। सो आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं हमने रिफ्लेक्शन कोफिशियंट का E अपॉन V नॉट के साथ में ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें हमने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं जैसे 0, 1, 2, 3 दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द E अपॉन V नॉट और रिफ्लेक्शन कोफिशियंट की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। अभी हमने यह बताया कि जब पार्टिकल की एनर्जी E V नॉट के इक्वल है यानी कि E अपॉन V नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या मिलती है हमें 1 के बराबर मिलती है। बट जैसे जैसे पार्टिकल की एनर्जी E में इंक्रीमेंट होता जाता है
वैसे वैसे r की वैल्यू में हमें डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है. सो दिस ग्राफ इज शोइंग द प्लॉट ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशियंट विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. सो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जब पार्टिकल की एनर्जी e v नॉट से ज्यादा होती है उस केस में भी पार्टिकल, देखिए हम यहाँ देख रहे हैं ना e की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो उस केस में भी पार्टिकल के रिफ्लेक्ट होने की कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होती है. ये हमने क्वांटम मैकेनिकली जब इस प्रॉब्लम को ट्रीट किया तब हमने कंक्लूड किया है, बट क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा हम ये रिजल्ट फाइंड नहीं करते हैं. तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनके प्लॉट को हमने यहाँ प्लॉट किया है. सिमिलरली इस ग्राफ में देख सकते हैं हमने आर का प्लॉट देखा है बीटा अपॉन के साथ में. सो इस प्रकार से अभी हमने बात की है रिफ्लेक्शन कोफिशियंट की. नाउ वी कैन कंक्लूड दिस केस एज वी नो E इज ग्रेटर देन V नॉट. इन दैट केस ऑल्सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड इन द फर्स्ट रीजन. सो दिस इज द मेन आउटकम व्हेन दिस प्रॉब्लम वॉज ट्रीटेड क्वांटम मैकेनिकली. नाउ वी विल प्रोसीड टू द कैलकुलेट ट्रांसमिशन कोफिशियंट. आगे हम पारगमन गुणांक यहाँ निकालेंगे. देखिए पारगमन गुणांक यानी ट्रांसमिशन कोफिशियंट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला दिया जाता है जे ट्रांसमिटेड अपॉन जे इंसिडेंट. मीन्स ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी. अब देखिए ट्रांसमिशन कौन से रीजन में होता है, सेकेंड रीजन में. और सेकेंड रीजन के लिए हमें जे की वैल्यू मिली थी, यहां से जे की वैल्यू मिली है पी प्राइम एम अपॉन मॉड ऑफ सी स्क्वायर. और जब हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की तो उसकी वैल्यू है पी अपॉन एम मॉड ऑफ ए स्क्वायर. सो जब हमें ट्रांसमिशन कोफिशियंट फाइंड आउट करना है तो उन दोनों का रेशो देखेंगे. तो जे ट्रांसमिटेड की वैल्यू है पी प्राइम एम, पी प्राइम अपॉन एम मॉड ऑफ सी स्क्वायर. और जे इंसिडेंट की वैल्यू थी पी अपॉन एम मॉड ऑफ ए स्क्वायर. तो यहां से हमने सॉल्व किया तो टी की वैल्यू मिलती है पी प्राइम अपॉन पी मॉड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर. यहाँ पे जब हमने पी प्राइम और पी की वैल्यू रखी तो क्या मिलता है, एच क्रॉस बीटा अपॉन एच क्रॉस के इंटू मॉड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर. ऑन सॉल्विंग एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ द सी अपॉन ए वी विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर टी एंड इट विल बी इक्वल टू द बीटा अपॉन के फोर के स्क्वायर अपॉन के प्लस बीटा स्क्वायर. So, T will be equal to the 4k beta upon k plus beta का होल स्क्वायर. जब हम इस रिलेशन में k और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें T के लिए एक फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिलता है एंड दैट इज इक्वल टू द 4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी नॉट अपॉन E डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ द 1 माइनस वी नॉट अपॉन E का होल स्क्वायर. तो यहां से जब हम R, अभी हमने ऊपर R कैलकुलेट किया है एंड दिस इज द T. जब हम यहां से R और T दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पे जब इनकी वैल्यू पुट की है K बीटा के टर्म वाली तो हमें इसकी वैल्यू 1 मिलती है. तो हमने यहाँ ये देखा कि जब हम ये कह रहे हैं पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से ज्यादा है, इट मीन्स T इज ग्रेटर देन V नॉट है, तो उस केस में R प्लस टी की वैल्यू हमें 1 के इक्वल मिल रही है. इसका मीनिंग यह है कि जब भी कोई पार्टिकल पोटेंशियल स्टाफ के फील्ड में इंटरैक्ट करता है तो उसके पार्शियल ट्रांसमिट होने की और पार्शियल रिफ्लेक्ट होने के चांसेस होते हैं. सो इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पे T के लिए बात करी है. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से ज्यादा है तो उस केस में T नॉट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है. सो वी कैन से व्हेन E इज ग्रेटर देन V नॉट देयर विल बी अ पार्टली रिफ्लेक्शन एंड पार्टली ट्रांसमिशन बट टोटल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी विल रिमेन कंजर्व्ड. सो अब हमने आगे यहाँ पे T के लिए जैसे अभी हमने R के लिए ग्राफ प्लॉट किया था उसी प्रकार से हमने T का E अपॉन V नॉट और T का बीटा और K के साथ में ग्राफ प्लॉट किया है. देखिए जब हमने बोला कि E अपॉन V नॉट, यहाँ से आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं ये हमारा T है. जब हम यहाँ पे V
और ई नॉट इनको एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, तो उस केस में देखिए हमारे को यहाँ पे कंक्लूड मिलेगा 1-1 0 हो जाएगा, 1-1 0 हो जाएगा। सो जब हम यहाँ पे ई बराबर वी नॉट के केस को अज्यूम करते हैं तो उस केस में हमें टी की वैल्यू 0 के इक्वल मिलती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने ई अपॉन वी नॉट की वैल्यू को 1 के इक्वल लिया है तो हमें टी की वैल्यू 0 के इक्वल मिल रही है। बट एज वेल एज वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द ई अपॉन वी नॉट तो उस केस में ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। सिमिलरली दिस पैटर्न कुड बी सीन व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वर्सेस बीटा अपॉन के। सो इस प्रकार से हमने क्वांटम मैकेनिकली पोटेंशियल स्टेप को जब हमने स्टडी किया तो हमने यह कंक्लूड किया कि जब पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से कम होती है तो उस केस में भी पार्टिकल के सेकेंड रीजन में ट्रांसमिट होने की कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी होगी, और जब पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से ज्यादा होती है तो उस केस में भी पार्टिकल के सेकेंड रीजन में ट्रांसमिट होने के साथ साथ फर्स्ट रीजन में रिफ्लेक्ट होने की भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बट टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पे कंजर्व रहती है। थैंक यू सो मच।